नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से हमारे इस न्यूज चैनल में स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी अमेठी से हारने के बाद ट्विटर पर कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू को उनके राजनीति छोड़ने के वादे की याद दिलाई जा रही है। अप्रैल में सिद्धू ने राहुल गांधी की अमेठी से जीत का पूरा भरोसा जताते हुए कहा था कि अगर राहुल यहां से चुनाव हार गए तो वह राजनीति छोड़ देंगे। जैसे ही साफ हो गया कि स्मृति ईरानी के हाथों राहुल गांधी की अमेठी से हार हो गई है, ट्विटर पर यूजर सिद्धू को उनके वादे की याद दिलाने लगे और उनसे राजनीति छोड़ने के लिए कहने लगे। शुक्रवार को भी ट्विटर पर हैशटैग सिद्धू क्विट पॉलिटिक्स ट्रेड होता रहा। सिद्धू को उनका वादा याद दिलाते हुए एक ट्विटर यूजर ने लिखा कि सिद्धू अगर असली सरदार हो तो क्विट करो। इसके साथ ही ट्विटर यूजर्स ने खबर का स्क्रीनशॉट डाल दिया जिससे उन्होंने कहा था कि अमेठी से राहुल गांधी की हार ने पर वह पॉलिटिक्स छोड़ देंगे। अन्य एक यूजर ने लिखा, सीरी आप एक सरदार है, सरदार अपनी बात के लिए जाने जाते हैं, अपने पब्लिसिटी स्टैंड पर अब स्टैंड लीजिए। वैसे भी आपके पास मुंबई में तो पार्ट टाइम जॉब है ही, वो चक दे फट्टे नाप दे दिल्ली, सुबह जलंधर शाम नू दिल्ली ठोको ताली। अमेठी से स्मृति ईरानी राहुल को हराने के बाद बीजेपी नेता बाबुल सुप्रियो ने ट्वीट किया, क्या आप अब भी अपनी बात पर कायम रहेंगे? जब अब अमेठी ने सीधे तौर पर स्मृति ईरानी और बीजेपी को अपना समर्थन दे दिया है। अन्य एक यूजर ने लिखा कि सिद्धू के राजनीति छोड़ने का वक्त आ गया है, अगर आप अपनी बात की अहमियत मानते हैं और सरदार है तो आप तुरंत इस्तीफा दीजिए। राहुल गांधी की शानदार हार के बाद सभी स्तब्ध है, भाजपा भी, बहरहाल सिद्धू क्विट पॉलिटिक्स।